कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए दो रोजा मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन। लैयर और फोर्ट अब्बास में हफ्ता और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज बंद। मेडिकल, किरियाना स्टोर, दूध दही, चिकन, पेट्रोल पंप्स और दीगर चंद दुकानें ओपन। ताजर बरादरी का कहना है कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुके, अब दुकानें बंद होने से परेशान हैं। कोट अद्दू में तहरीक इंसाफ हल्का पीपी 279 से एमपी अशरफ खान रिंद लैब के रिडार पर। असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई। अशरफ रिंद की बीवी समेत दो बेटों और बेटी के नाम पर तमाम जायदादों की तहकीक की जाएगी। नैब मुल्तान ने डीसी और एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ को नोटिस जारी कर दिया। गरीब बस्तियों से बच्चों की जबरी मशक्कत खत्म करने के स्कूल पढ़ाने का अज़्म। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आका जहीर अब्बास चराजी इन एक्शन। तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम करने का फैसला। डीसी के आर्मी पब्लिक स्कूल नौशहरा की प्रिंसिपल जवेरिया सज्जा से मीटिंग। आइडियल स्कूल्स को बेहतर बनाने की हिकमत अमली फौरी तौर पर अमल करने की हिदायत। और मुल्तान और बहावलपुर में गर्मी की शिदत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज बारिशों की पेशगोई कर दी। आज शाम से बादलों का सिलसिला शुरू होगा।